ये जनाब डीप लैब वर्जन थ्री ये डीप लैब क्या है और किसके साथ चलती है एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस टू डू सम काइंड ऑफ विजन डिटेक्शन ठीक है कंप्यूटर विजन की बात हो रही है तो मैं इस टॉपिक से हटाऊंगा नहीं मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ लाइब्रेरी जो बहुत ज्यादा यूटिलाइज की जाती है रिसर्चर कम्युनिटी के अंदर बिकॉज दिस इज रियली इजी टू यूज इवन ईजियर देन आपका टेंसर फ्लो अगर टेंसर फ्लो, फ्लो आपको ईजी लगता है तो ये उससे भी ईजी है नाम है पाइटॉर्च आपने काफी उन्होंने नाम सुना होगा पाई टॉर्च अब आप खुद सोचें टॉर्च से क्या मुराद हो सकता है Obviously, मैंने अपने याद करने के लिए रखी हैं चीजें हो सकता है ओरिजिनली उन्होंने कोई और नाम से रखा हो ये चीज बेसिकली टॉर्च जो है ये टॉर्च होती है ना चीजों को ढूंढने के लिए ठीक है सो दिस इज सिमिलर कि आपको विजन देती है अंधेरे में विजन दे रही है तो टॉर्च विजन इसका एक सेगमेंट है एंड देर आर मेनी अदर सेगमेंट एज वेल फॉर पाई टॉर्च आप अगर मशीन लर्निंग डीप लर्निंग और डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर विजन के टास्क करना चाहते हैं तो पाई टॉर्च इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज टॉर्च विजन इसका एक सेगमेंट है सेगमेंट से मुराद इसका एक टूल है उसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर हम इसके गेट स्टार्टेड पे जाएं यू कैन सी कि यहाँ पे मैकवाइस का भी वर्जन है और बाकी एनाकोंडा से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं वेरी सिंपल टू इंस्टॉल लेकिन जिनके पास मैकबुक है उनके लिए बहुत मुश्किल है इसे इंस्टॉल करना तो उसके लिए अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बताएं मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा वेयर यू कैन एक्चुअली इंस्टॉल दिस थिंग बल्कि मेरे पास ओपन ही है मैं अभी दिखा देता हूं ताकि बाद में मसला ना बने ये एक बहुत ही अच्छा मीडियम uh, के ऊपर आर्टिकल है, ऊपरेशन क्योंकि जी पी यू यूज होता है जब भी आप इमेज क्लासिफिकेशन पे काम करते हैं and it makes things easier and faster. तो पाईटॉर्च को यूटिलाइज करने के लिए अगर आप सिंपली इसके ट्यूटोरियल्स में जाएं सो यू कैन सी कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर रेसिपी और सारा इंट्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ द थिंग्स के पाइटॉर्च को किस तरीके से आपने सीखना है इमेज और वीडियो पे कैसे रन करना है इवन ऑडियो पे कैसे रन करना है टेक्सट पे कैसे रन करना है एंड डिफरेंट काइंड के अदर जो फंक्शन है मॉडल्स के उसपे ऊपर इसको कैसे रन करना है सो आइदर यू कैन लर्न इट फ्रॉम हेयर और द बेस्ट थिंग इज टू लर्न इट फ्रॉम चाइट जीबीटी ठीक है अब अगर डॉग्स पे जाए तो पाईटॉर्च के अपने अपने डिफरेंट सेगमेंट है यहाँ पे आपने देखे ठीक है और इसी तरीके से रिसोर्सेज के अंदर आपके पास पूरा रिसोर्स अवेलेबल है ठीक है और अगर हम मॉडल्स पे क्लिक करें सो देयर आर सम मॉडल्स जो पाइटॉर्च के अंदर ऑलरेडी ट्रेन है बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा सेट जो लोगों ने यहाँ पे अपलोड किए पाइटॉर्च के अंदर है डीप लैब वर्जन थ्री यानी कि डीप लैब का एक वर्जन है विच इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू सेगमेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम बैकग्राउंड और यही चीज़ है जो डिटेक्शन में आपको हेल्पफुल साबित होती है आपने कभी सोचा है जब आप शनाख्ती कार्ड बना रहे होते हैं आपसे आपकी हाइट और डिफरेंट स्किन कलर या आई uh, कलर क्यों पूछा जाता है उसकी रीज़न ये है अक्सर अवकात जो कंप्यूटर विजन के अंदर डिटेक्शन की प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर ये होता है कि फेस या तो ब्लर हो जाता है या आपको नजर नहीं आता बट देन देर आर सम अदर थिंग्स वो क्या होती हैं आपकी हाइट और बाकी चीज़ें वो मैय कर सकते हैं वेट मैयर कर सकते हैं और एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि बेसिकली ये जो फ्लाम बंदे ने क्राइम किया वो कौन हो सकता है तो इस तरह के एल्गोरिथम्स वहाँ पे रन होते हैं उसके लिए इमेज सेगमेंटेशन जरूरी है एंड इट्स इजी टू रन ये इतने से कोड के अंदर आप पूरे के पूरा इमेज सेगमेंटेशन कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस बट डीप लैब को यूज करने के लिए अगर हम गिठअप पे जाए तो so ये इसका पूरा कोड पड़ा हुआ है ठीक है डीप लैब को यूज करने के लिए इफ समबडी वॉन्ट्स टू यूज इट यू कैन यूटिलाईज दिस वन फॉर योर इमेज सेगमेंटेशन अब यहाँ तक जब आप आते हैं ना तो अगर मॉडल्स पे क्लिक करें दीज आर अदर मॉडल्स विच यू कैन रन विद टॉर्च विजन यानी कि टॉर्च विजन के अंदर आपके पास ये वाले मॉडल्स पड़े हैं जिसमें डिटेक्शन का है ऑप्टिकल फ्लो का है क्वांटाइजेशन का है सेगमेंटेशन और वीडियो का है मीन्स टू से कंप्यूटर विजन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं यू कैन यूज दिस लाइब्रेरी टू हैंडल टर्म्स ये बताने का मकसद ये है बकायदा कि अगर आप कंप्यूटर विजन में इंटरेस्टेड हैं तो ये तीन मोटी मोटी चीजें सीख लें पहली चीज आपको कंप्यूटर विजन की बेसिक एंड ओपन सीवी बनाने आती हो चलाने आती हो ठीक है सेकंड वन इज आपको टेंसर फ्लो के अंदर जब हमने स्टार्ट में इमेज सेगमेंट एनालिसिस किया था अगर वो आता है दैट्स इनफ थर्ड थिंग आपको पता हो कि कौन से नए मॉडल्स आ रहे हैं खासतौर पर ये पाई टॉर्च की लाइब्रेरी के अंदर जो डीप लैब है ये किस तरीके से यूज किया जाता है या इसके डिफरेंट जो अदर वो हम कैसे यूज करते हैं ये तो मेन तीन चीजें होगी इसके अलावा अगर आप डेटा की बात करें तो अगर आप हगिंग फेस का आपको पता है योलो का पता है या डिफरेंट जो नए रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं मॉडल्स आ रहे हैं उनका पता है देन यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ कंप्यूटर विजन टू लर्न मैनी टेक्निक्स अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यहां पे आपको योलो फाइव का कार डिटेक्शन का एक पूरा मॉडल जो है एक बना बनाया मॉडल के ऊपर अवेलेबल है आई एम गोइंग टू शेयर विद यू मैं अभी आपके साथ पहले से शेयर करता हूँ फिर इस पर बात करते हैं मैंने कल भी आपके साथ एक शेयर किया था वो अरबी में था किसी ने भी काम नहीं किया ना किसी ने कंप्लेन की दैट मीनस किसी ने देखा नहीं दैट वॉज अ ट्रिक टू सी कि आप में से कितने लोग वो टूटोरियल देखते हैं और कितने कहते हैं बाबा ये थे अरबी जे तो इसका मतलब है आपने देखा ही नहीं है देट वॉज द ट्रिक और एक दो बंदों ने मुझे स्टार्ट में बोला था कि

जो है इसका राइटर uh, है जिसने ये कोड लिखा है बाय द वे जारी बात है उसने भी किसी से ये कॉपी किया होगा फॉर श्योर sure, क्योंकि जारी बात है हमारे पास जितने भी कोड्स आते हैं वी आर गोइंग टू प्रीसाइकल दैम फ्राम अदर्स तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं टाइम स्टैम्प कैसे देते हैं प्री प्रोसेस कैसे करते हैं अपने डेटा को जब आपके पास डेटा आता है एंड देन हाउ यू कैन डिटेक्ट एन इमेज फ्रॉम द वीडियो और उसमें फिर कार्ड डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं सो इफ यू कैन रन दिस कोड ऑन योर ऑन देन यू कैन डिटेक्ट कार्स फ्रॉम इमेज फाइल्स और अगर सेम चीज़ या आप वीडियो पे रन करेंगे तो आपके पास कार डिटेक्शन वहीं से भी होना स्टार्ट हो जाएगी अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली चाय जी पी लिखे ना कार डिटेक्शन का हमने कोड दे दे यूजिंग जोलो वी थ्री तो आपको पूरे का पूरा कोड मिल जाना है और उसने लिंक भी दे, दे देना है चायर जी ने कि कहाँ से डाउनलोड करेंगे सो प्लीज़ गो हैड और कार्ड डिटेक्शन का एक छोटा सा अपने पास ऐप अप जरूर अगर आपको नहीं बनाने आती सो यू कैन यूटिलाइज अदर कोड्स जो लोगों ने दिए हुए हैं यू कैन सी के अगर ये आपके पास काम करते कि नहीं करते कार्ड डिटेक्शन मैंने इस वजह से आपको बोला है क्योंकि दिस इज सिंपल डिटेक्शन मॉडल जो ट्रैफिक के लिए यूटिलाइज किया जाता है और चलान और बाकी चीज़ें जो है इसके ऊपर डिपेंड करती हैं uh, मेरे ख्याल से इसके साथ हम यहाँ पे मैं ज़रा चुप करता हूँ